क्या माँ, आप लोग कब से तैयारी कर रहे हैं? जल्दी कीजिए, वो लोग आने ही वाले होंगे और उनके आने से पहले मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। आज मेरी गोद पर है। तेरी नहीं सांझ, उस माया की। ये सब कुछ ना हम सिर्फ तेरी खुशी के लिए कर रहे हैं, वरना उस माया के लिए तो कभी ना करें जिसने हमारे अर्जुन को 6 महीने पहले दूर कर दिया था। नहीं माँ, मेरे डफर को कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता। माया की कोख में जो बच्चा है वो मेरा बच्चा है। अर्जुन माया के पास सिर्फ मेरी खुशी के लिए गया था। आज इस गोद भराई में जो भी रस्म हो रही है वो मेरे बच्चे के लिए हो रही है। सब कुछ मेरा ही तो है माँ, माया का कुछ नहीं। वो लोग आ गए। देखो मैं कितनी मोटी हो गई, तुम दोनों के बीच आ गई। नहीं माया, तुम बीच में नहीं, तुम साथ आई। छह महीने कटने में इतना वक्त लग जाएगा, पता ही नहीं था। I love you। आओ, आओ। मैं अर्जुन, आओ, आओ। तुम ठीक तो? मेरा पैर पैर मुड़ गया। देख ले सांझ, माया किसके साथ है? माया सिर्फ अर्जुन के साथ है। आराम से। आओ। तुम्हें संभल कर चलना चाहिए था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हारे होते हुए मुझे कैसे कुछ हो सकता है? भरोसा है अर्जुन कि तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे। मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाता हूँ। अब बस तुम्हारा इंतजार है। 6 महीने तक जिस धड़कन ने मुझे और अर्जुन को बांध कर रखा वो बंधन मैं किसी भी हालत में नहीं तोड़ने दूंगी। किसी भी हालत में नहीं। तुम्हारा खाना। उनसे बात नहीं करोगी? बैठो ना सांझ। रिलैक्स। थैंक यू सांझ। जो कुछ भी हो रहा है ना वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना तुम इस बच्चे से इतना प्यार करती हो और ना अर्जुन मेरे इतना अच्छे से ख्याल रखते। 6 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अब तो मुझे बस उस बच्चे का इंतजार है। इस बच्चे के आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हें तुम्हारी खुशी मिल जाएगी। थैंक यू माया, थैंक यू सो मच। कहते हैं कि किसी का भी कर्ज नहीं रखना चाहिए, जन्मों तक चुकाना पड़ता है। एंड आई थिंक सांझ, हमारा रिश्ता अगर इसी जन्म में खत्म हो तो अच्छा है। मैंने तुम्हें इतनी बड़ी खुशी दी है तो तुम मुझे इसके बदले में क्या दोगी? खुशी के बदले खुशी, इस बच्चे के बदले अर्जुन।
अर्जुन आज भी मुझसे प्यार करता है। इसलिए वो तुम्हें छोड़ा है सांझ। मुझे मेरा अर्जुन दे दो, मेरी जिंदगी, मेरी खुशी दे दो। तुम मां बनना चाहती हो और मैं जुनून। तुम इस बच्चे की मां बन जाओ और मैं अर्जुन का जुनून बन जाऊंगी। तुम्हें इस बच्चे की आंखों में खुशी मिलेगी और मुझे मुझे अर्जुन की आंखों में प्यार। सांझ, तुम्हें इस बच्चे से जिंदगी का मतलब मिलेगा और मुझे मुझे अर्जुन की बाहों में जिंदगी का एहसास हो। ये बच्चा तुम्हारा है और अर्जुन मेरा। जो तुम्हारा है वो तुम रख लो और जो जो मेरा है वो मुझे दे दो। सांझ, अर्जुन तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रहेगा। जिन्हें तूफानों से लड़ने की आदत होती है ना, उन्हें नरम हवा में सिर्फ मौत मिलती है। प्लीज छोड़ दो अर्जुन का साथ, वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है और तुम मुझे जानती हो सांझ। मैं अर्जुन के लिए जिंदगी भर लड़ती रहूंगी। इस दुनिया से, तुमसे, खुद अर्जुन से, मुझे मेरा अर्जुन दे दो। वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। अर्जुन तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता है। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें झेल रहा था मेरी वजह से। अर्जुन को तुमसे नफरत है। एक बार मैंने तुम्हें मेरा प्यार दे दिया था, इस बार नहीं माया। अर्जुन का प्यार पाने की तुम्हारी औकात नहीं है और ना ही तुम्हारी किस्मत। सपने देख रही हूं माया, बहुत जल्द टूट जाएगा। ये थप्पड़ इसलिए कि तुझे बहुत पहले ये थप्पड़ माया को मानना चाहिए था। अर्जुन, तूने माया के लिए मुझे पांच माया हमेशा मेरे लिए लड़ी है और तुम हमेशा लड़ाई से भागी है। ये लड़ाई तुझे बहुत पहले करनी चाहिए थी, तो आज ये नौबत नहीं आती। तेरी अच्छाई में सबसे पहले कुर्बानी सिर्फ मेरी हुई है। इतना अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता सांझ, क्योंकि वो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाती। मेरा प्यार पाने के लिए और ये बच्चा माया के लिए सिर्फ एक हथियार है, मुझे पाने का हथियार। और माया ये जानती थी, इसलिए माया ने जानबूझकर मुझे बच्चे की हार्ट बीट सुनाई। ये आवाज आपके बच्चे की दिल की धड़कनों की है। दसकी, ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है और माया हमारी कोई भी निशानी को मिटाने को तैयार है, सिर्फ मुझे पाने के लिए। तू माया को इस घर में लाई थी इस बच्चे के लिए। मैं उस निशानी को बचाने के लिए इसके साथ गया था, तो ना मुझे एक बार रोका भी नहीं। माया के साथ बिताया हुआ हर एक पल जहन्नुम जैसा था, लेकिन मैंने किया इसलिए तेरे प्यार के लिए। तूने मुझे एक बार भी नहीं रोका कि अर्जुन तू क्यों छोड़ के जा रहा है यार। तूने मुझे एक बार भी क्यों नहीं कहा? क्योंकि तुझे मेरा सच सुनाई नहीं देता, तुझे सिर्फ माया का सच सुनाई देता है। सांझ, तू समझती नहीं है, माया बदलती नहीं है, माया बदला लेती है।
मुझे फिर धोखा दिया, फिर झूठ बोला मुझसे। क्यों मुझे धोखा दिया वापस? क्यों अर्जुन, क्यों? क्यों? झूठ और धोखा देने का हक सिर्फ तुम्हारा है क्या? मैंने तुम्हें गाड़ी में जानबूझकर सर टकराते हुए देखा था, और उस रात मैंने तुम्हें अपने सीसीटीवी फुटेज में देखा था जानवी आंटी के कमरे में जाते हुए। माया माया माया, तुम क्या समझती हो मैं बेवकूफ हूं? तुमसे इसी का है, हर जगह सीसीटीवी मैंने भी लगवा लिया। और उस रात लाइट भी मैंने ही ऑफ की थी जानवी आंटी को शॉक से बचाने के लिए। तभी मैंने तुम्हें सांझ और घर वालों से दूर रखने का प्लान बना लिया था माया, प्यार और हमदर्दी दिखा के अपने बच्चों को सेफ रखने के लिए, ताकि तुम अपनी गिरी हुई हरकतें ना करो। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था, पूरे दिल से, और आज मैं उतनी ही नफरत करता हूं। तुम्हारा प्यार एक बंधन है और सांझ का प्यार आजादी। तुम्हारा प्यार हक जमाता है और सांझ का प्यार हक देता है माया। एंड यू नो व्हाट, आई लव सांझ। तुमने हमेशा आज तक सांझ का हक छीनने की कोशिश की, लेकिन आज तुम्हें उसका हक देना पड़ेगा। आज तुम्हारी आंखों के सामने गोद भराई की सारी रस्म सांझ के साथ होगी। अर्जुन से तकलीफ हो रही है। अर्जुन मेरा पेट, अर्जुन मेरा बच्चा, अर्जुन मेरा बच्चा, बच्चे से हॉस्पिटल ले कॉम्प्लिकेशंस हैं। क्या? माँ या बच्चा, दोनों में से किसी एक को बचाया जा सकता है। सिचुएशन खराब है, हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप लोग बताएं अब किसको बचाना है, माँ को या बच्चे को? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.